आगरा में समसबा रोड स्थित केहरी मोड़ पर एएस डिजिटल ग्राहक सेवा केंद्र का हुआ उद्घाटन। आपको बता दें कि एएस डिजिटल ग्राहक सेवा केंद्र का पूर्ण विधि विधान के साथ उद्घाटन किया गया, जिसके मुख्य अतिथि समाज सेवी देवेश उपाध्याय रहे। देवेश उपाध्याय द्वारा फीता काट कर उद्घाटन किया गया। जनसेवा केंद्र पर तमाम तरीके की सर्विसेज डिजिटल ग्राहक सेवा केंद्र पर उपलब्ध रहेंगी। देवेश उपाध्याय ने कहा कि ग्राहकों को इस जनसेवा केंद्र से सुविधाएं मिलेंगी। जनसेवा केंद्र के उद्घाटन के बाद ठंडा शरबत राहगीरों को पिलाया गया। आपको बता दें कि एएस डिजिटल ग्राहक सेवा केंद्र समसाबा रोड कावेरी बिहार फेज टू स्थित ग्राहकों को सर्विस देगा। एक नए जनसेवा केंद्र की शुरुआत हुई है, क्या कहना है? ये जनसेवा केंद्र हमारे सनी परमार जी और आरिफ खान जी दोनों भाइयों ने मिलकर के खोला है। मैं इस जगह के बारे में आपको बता दूं, इस जगह पे विगत कई वर्षों से मैं इस दुकान का संचालन करता आ रहा हूं। उसी जगह पर पुनः द्वारा से मेरे जाने के बाद यहां लोगों की मांग थी, ज़रूरत थी कि एक योग्य व्यक्ति की यहां दुकान होनी चाहिए। आज उस काम को पुनः द्वारा से और हमारे सनी परमार जी ने करने का निर्णय लिया है, संकल्प लिया है। जो ग्राहक आपके यहाँ पहुँचते थे, आज माने कि वो उन्हें भटकना नहीं पड़ेगा कहीं? बिल्कुल, उनका मेरे पास फ़ोन आ रहा था, बार बार पूछ रहे थे, तो आज उनके लिए एक स्थान बन गया है। हर तरीके से लोगों का फ़ोन आएगा तो हम उन्हें बताएंगे कि किस तरह की रियायत दी गई है ग्राहकों को। यहाँ एक विशेष खास बात ये है कि जो अब तक के समय में, मेरे समय में किसी के यहाँ नहीं थी, इन्होंने महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान रखा है कि उनको न्यूनतम पैसे में काम करेंगे और जो सीनियर सिटीजन लोग हैं उनको फ्री में पैसे निकाल करके देंगे बैंक से। आज हर बैंक 20,000 रुपये से कम लेन देन के लिए दुकानों के लिए, जनसेवा केंद्र के लिए लोगों को भेज रही हैं। उस काम को ये फ्री में करेंगे, कम पैसे में करेंगे, ये सबसे खास बात है। और ये काम इसमें सबसे ज़्यादा है, हर व्यक्ति परेशान है, उनके लिए काम करने के लिए संकल्प लिया है इन्होंने, योग्य हैं। आज के समय में जिस दुकान पे अगर कोई उम्रदराज व्यक्ति 40-45 साल का उम्र का व्यक्ति अगर कोई दुकान कर रहा है तो मेरी समझ के अनुसार वो व्यक्ति इस काम को करने में सक्षम नहीं है, क्योंकि ये समय और ये काम तकनीकी का काम है। उनके समय इस तरह की पढ़ाई नहीं थी, आज इन्होंने इस तरह की शिक्षा ली है, लोगों को शिक्षा दे पा रहे हैं, तो ये समझते हैं इस काम को करने के लिए कि किस तरीके से हमें इस काम को करना चाहिए। ये सबसे मेन पॉइंट है, क्योंकि जो पुरानी एजुकेशन थी उसमें और आज के समय में बदलाव हो चुका है, तो उन लोगों की अपेक्षा ये अच्छा काम करेंगे, यही मेरी आशा है। और आगे ये दुकान इसी तरीके से चलती रहे, सब लोगों का आशीर्वाद इनके ऊपर बना रहे। इसी के साथ सभी को धन्यवाद।